हेलो फ्रेंड्स, मैं डिम्पी वर्मा रेसिपी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर हलवा। उसके लिए कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। इसमें घी डालेंगे। घी को हमने थोड़ा सा पिघला लिया था, ठंडी में घी जम जाता है इसलिए। और ये पहले से ही गाजर को हमने धो के कद्दूकस कर लिया है, इसे डाल देंगे। डाल के अच्छे से भूनेंगे घी के साथ में, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद दूध डालेंगे गाजर को पकने के लिए। चलाएंगे दूध को, दूध में गाजर को मिलाते हुए चलाएंगे। सर्दियों में गाजर बहुत मीठे मीठे आती है, आप भी बनाइए गाजर का हलवा इस तरीके से। मुझे दूध कम लगा इसलिए मैं फिर दोबारा से दूध डाल रही हूँ। आप दूध उतना डालिए ताकि गाजर हमारा डूब जाए। इसे कवर करके पकाएंगे। दूध में उबाल आ गया है, इस दूध को सूखने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा दूध हमारा जो गाजर में था वो सूख गया है। अब हम इसमें मावा लिए हैं वो डाल देंगे। इसे भी अच्छे से घुलने तक पकाएंगे। देख सकते हैं सारा पानी सूख गया है हमारा, दूध का जितना भी था। ये कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, किशमिश, काजू और बादाम पतले पतले काट लिए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। इसे भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ड्राई फ्रूट को भी गाजर के साथ में। चलाते रहेंगे इसे, नहीं तो हमारे कढ़ाई के तले में सड़ जाएगा गाजर का हलवा, इसलिए इसे बार बार चलाते रहिए। ये हमने चीनी लिया है, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिलाएंगे अच्छे से, चीनी को घुलने तक मिलाएंगे इसे चलाते हुए। ढक देंगे क्योंकि चीनी में पानी होती है इसे सुखाने के लिए। फिर से चेक करेंगे चलाते हुए। आप देख सकते हैं हमारा पानी सूख गया है गाजर का हलवा का। गैस को ऑफ कर देंगे और सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे गाजर को। गाजर बनके हलवा तैयार है। ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट के लिए गार्निश कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी बनी है हमारी गाजर हलवा। आप भी